सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार, युवा किसान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं गेहूँ से श्री राम गेहूँ 303 की संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। श्री राम 303 गेहूँ की किस्म कम अवधि में भरपूर उपज देने में सहायता और बीमारियों के प्रति सहनशील किस्म मानी जाती है। श्री राम 303 गेहूँ की किस्म का दाना मोटा, चमकदार और ज़्यादा वजन के कारण बाजार भाव इसका अधिक मिलता है। श्री राम सुपर 303 की कंपनी की बात की जाए तो श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स कंपनी का रिसर्च बीज श्री राम 303। इसकी पैदावारी की बात की जाए तो एक एकड़ में इसकी पैदावारी 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है। इसके एक पौधे में अधिक किलों का फटाव होता है। किलों की संख्या की बात की जाए तो 17 से 18 किले प्रति पौधे के हिसाब से निकल आते हैं। इसमें बालियों में दानों की बात की जाए तो 75 से 80 दाने प्रति वाली के हिसाब से निकल आते हैं। इसके पौधे की ऊंचाई की बात की जाए तो 90 से 100 सेंटीमीटर ऊंचा पौधा होता है। इसके 1000 दानों का वजन लगभग 48 ग्राम होता है। श्री राम 303 किस्म बीमारियों के प्रति सहनशील किस्म है। यह किस्म में भूरा रतुआ, झुलसा जैसी प्रमुख बीमारियां देखने को नहीं मिलती हैं। इसके कारण इसमें उपज काफ़ी बढ़ जाती है। श्री राम 303 वैज्ञानिक तरीके से बोने के लिए 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। सामान्य तरीके या छिड़काव विधि से बोने के लिए बीज 45 से 43 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप सेलेक्ट कर लें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे।